नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों के परंपरागत कार्य। इसको भी हम लोग प्रयास करते हैं इनकी स्थिति के आधार पर कार्य को याद करने का। यदि इनकी परंपरागत कार्यों की बात की जाए, सबसे पहले बस्तर संभाग में भतरा जनजाति का सेवा कार्य याद रखेंगे। नेक्स्ट हलवा जनजाति का प्रमुख कार्य है कृषि कार्य, साथ ही साथ ये चावल का पोहा बनाते हैं, पोहा या चिवड़ा बनाने का कार्य करते हैं हलवा जनजाति है। नेक्स्ट बस्तर संभाग में पाया जाता है धुरवा जनजाति प्रमुखतः कृषि पर निर्भर है, साथ ही साथ ये केन मतलब गन्ना से निर्मित विभिन्न वस्तुओं का विक्रय कार्य करती है। ये हो गया बस्तर संभाग के लिए। हलवा जनजाति कृषि कार्य करती है, साथ ही साथ ये पोहा या चिवड़ा बनाने का कार्य करते हैं। भतरा जनजाति सेवा कार्य करते हैं। धुरवा जनजाति प्रमुखतः कृषि पर निर्भर है तथा ये गन्ने केन से निर्मित विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय करने का कार्य करती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मैकल श्रेणी में एक मिलेंगे बैगा, दूसरा हो जाएगा अगरिया। एक बैगा और दूसरा अगरिया। बैगा जनजाति को मेडिसिन में नाप कुंवर कहा जाता है, ये विभिन्न प्रकार के उपचार वगैरह के लिए फेमस है। अगरिया जनजाति ये पीएससी के द्वारा पूछा गया सर्वाधिक प्रश्न यदि आते हैं कार्य से तो अगरिया एकदम फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का। अगरिया जनजाति लौह शिल्प कार्य के लिए फेमस है, लौह को गलाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कार्य करती है। नेक्स्ट देखेंगे महासमुंद मिलते हैं सौरा जनजाति सांप पकड़ने का कार्य करती है, सांप पकड़ने काम करती है, ये महासमुंद का है। उसके बाद जाएंगे गरियाबंद हो जाएगा कमार, दूसरा हो जाएंगे कंडरा और तीसरा हो जाएगा शिकारिया। कमार जनजाति बांस शिल्प कार्य में निपुण जनजाति है, ये बांस से टुकनी झवहा सोफा चेयर विभिन्न प्रकार की चीजों का निर्माण कार्य करती है कमार। लेकिन बांस शिल्प कार्य में चार जनजाति फेमस है, इसको विशेषता ध्यान रखेंगे। एक तो आपका कमार, दूसरा कंडरा, दो यहीं पर हो गए। उसके बाद रायगढ़ का बिरहोर याद रखना। नेक्स्ट बिलासपुर को जाएंगे धनवार, ये चार जनजाति। धनवार भी बांस शिल्प कार्य में निपुण है याद रखना। बिरहोर भी बांस शिल्प कार्य निपुण है, कमार भी और कंडरा भी। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बांस शिल्प कार्य बोलना, बांस शिल्प न कि कास्ट शिल्प, ठीक है। यहाँ विशेषता ध्यान रखेंगे बांस शिल्प बोल रहा हूं न कि कास्ट शिल्प, क्योंकि ऑप्शन रहता है, ठीक है। तीन में याद रखेंगे धनवार बिरहोर कंडरा, ये बांस से बांस के बर्तन बनाने में प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन कौन सा? धनवार बिरहोर और कंडरा, ये बांस से बांस के बर्तन बनाने में प्रसिद्ध है। उसके बाद है शिकारी जनजाति। यदि आप देखेंगे यहां से तो ऐसा लगता है कि शिकार कार्य, लेकिन एग्जाम हो जा चुका है, ये छीन पत्ते से चटाई व झाड़ू बनाने का काम करता है, ठीक। छीन पत्ते से चटाई व झाड़ू बनाने का काम करते हैं। एक बार फिर देखते हैं, बैगा मेडिसिन में नाप गुण, अगरिया लौह शिल्प कार्य निपुण है, धनवार बिरहोर कमार और कंडरा, ये चारों के चारों बांस शिल्प कार्य में निपुण है, जिनमें धनवार बिरहोर और कंडरा के द्वारा बांस से बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। उसके बाद जाएंगे कमार बांस शिल्प कार्य में निपुण है। नेक्स्ट सौरा, ये सांप पकड़ने काम करता है। रायगढ़ क्षेत्र में ही पाया जाता है नगेसिया याद रखेंगे, विशेषतः नाक सांप पकड़ने का काम करता है। उसके बाद कोरिया मिलेंगे कोल जनजाति
कोयला उत्खनन करने काम करता है। ध्यान रखेंगे कोयल जनजाति कोयला उत्खनन करने का काम करता है, ये कहाँ पाया जाता है तो कोरिया तरफ। उसके बाद जाएंगे सरगुजा तरफ, सरगुजा में पहरा जाएंगे खैरवार, पहला याद रखना खैरवार। खैरवार जनजाति खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है, ये कई बार पूछ जा चुका है। ध्यान रखेंगे खैरवार जनजाति खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। नेक्स्ट जाएंगे पारधी, पारधी काले पक्षियों का, ध्यान रखना ये काले पक्षियों का आखेट कार्य करता है, शिकार करने कार्य करता है। उसके बाद जाएंगे खड़िया, खड़िया जनजाति पालकी ढोने काम करता है, पालकी ढोने काम करता है, रखना खड़िया जनजाति। नेक्स्ट जाएंगे कोरकू, कोरकू जनजाति भूमि खोदने का काम करता है, भूमि खोदने का कार्य करता है। ये अभी 2019 के FMDM भर्ती परीक्षा में आया था। ये हो गया छत्तीसगढ़ में जनजातियों के परंपरागत कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है गोदना। गोदना क्या होता है तो शरीर पर बनाए जाने वाले चित्र गोदना कहते हैं। इसका सामाजिक धार्मिक महत्व है जनजातियों में खासतौर पर। तो गोदना से संबंधित तीन प्रकार फैक्ट आते हैं। पहला जो सर्वाधिक पूछा जाता है शिल्पकार, मतलब गोदना बनाने वाले या गोदना गोदने वाले कौन कौन जनजाति हैं। दूसरा किनको गोदना प्रिय है। उसके बाद सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले, सर्वाधिक गोदना बनाने वाले या बनवाने वाले हैं। तो गोदना शिल्पकार में पहला आ जाएगा ओझा, यही बार बार आता है। ओझा गोंड समुदाय का एक उपजाति है, ओझा हो जाएगा। दूसरा कुंजर और तीसरा हो जाएंगे बंजारा। ये तीन समुदाय गोदना शिल्पकार है। गोदना प्रिय है बैगा जनजाति को, ठीक है बैगा जनजाति को। बैगा जनजाति में महिलाओं द्वारा अपने शरीर पर जो गोदना रहते हैं उसको हम लोग झेला गोदना के नाम से जानते हैं, रखना ठीक है झेला गोदना के नाम से जानते हैं, एग्जाम में आ चुका है। जबकि सर्वाधिक गोदना बनवाने वाली जनजाति है कमार जनजाति, कमार जनजाति याद रखेंगे। ये हो गया छत्तीसगढ़ में गोदना। गोदना शरीर पर बनाया जाने वाला एक चित्र है जिसकी एक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। गोदना शिल्पकार में तीन आते हैं, पहला ओझा, दूसरा कुंजर और तीसरा बंजारा आएगा। गोदना प्रिय जनजाति में एक बैगा आता है और बैगा जनजाति में महिलाओं के द्वारा जो गोदना रहते हैं उसको झेला गोदना के नाम जानते हैं। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले या सर्वाधिक गोदना बनवाने वाले जनजाति है कमार जनजाति। ये हो गया गोदना। नेक्स्ट टॉपिक है जनजातियों की आराध्य देवी देवता, जनजातियों के आराध्य देवी देवता। आमतौर पर जनजाति प्रकृति की उपासक होते हैं, आमतौर पर जनजातियां प्रकृति की उपासक होती हैं, किंतु ये एक प्रकार की द सुपर नेचुरल पावर या एक पारलौकिक शक्ति पर विश्वास करते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है, जिसे बोंगावाद के नाम से जानते हैं, जिसे बोंगावाद के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कुछ विशेष जनजातियों में कुछ विशेष प्रकार की देवी देवताओं की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में मुड़िया के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, एक अंगा देव का और दूसरा लिंगोपेन का, एक अंगा देव और दूसरा लिंगोपेन, ठीक है। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट बस्तर संभाग में ही भतरा, भतरा जनजाति के द्वारा सिकरी देवी की पूजा अर्चना की जाती है, सिकरी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मैगा श्रेणी। मैगा श्रेणी में पाया जाता है बैगा जनजाति, बैगा जनजाति बूढ़ा देव, बैगा जनजाति बूढ़ा देव का पूजा अर्चना करता है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे कमार, कमार जनजाति के द्वारा छोटे माई,
बड़े माई, छोटे माई बड़े माई की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे बिंझवार, नेक्स्ट आएगा बलौदा बयान पहले बिंझवार, बिंझवार के द्वारा विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी माता के उपासना करते हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट कंवर, कंवर के द्वारा सगरा खंड, कंवर के द्वारा सगरा खंड की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जाएंगे कोरवा, कोरवा के द्वारा जाएंगे खुड़िया रानी, खुड़िया रानी की पूजा अर्चना करते हैं। नेक्स्ट जाएंगे उरांव, जो सर्वाधिक बार प्रश्न आ चुका है, इनकी आराध्य देवी है सरना देवी, सरना देवी। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं जनजातियों की आराध्य देवी देवता। आमतौर पर जनजाति प्रकृति के उपासक होते हैं, ये पारलौकिक शक्ति द सुपर नेचुरल पावर बिलीव करती है, उसे बोलते हैं बोंगावाद कहते हैं। कुछ विशेष जनजाति हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार की देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिनमें बस्तर संभाग में देखे थे हम लोग मुड़िया, मुड़िया के द्वारा अंगादेव और लिंगोपेन की पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट आएंगे भतरा, भतरा के द्वारा सिकरी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद देखे थे बैगा, बैगा के द्वारा बूढ़ा देव का पूजा अर्चना किया जाता है। नेक्स्ट रायपुर संभाग के गरियाबंद, गरियाबंद में पाई जाती है कमार, कमार के द्वारा छोटे माई बड़े माई की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बड़ौदा बाजार में बिंझवार, बिंझवार जनजाति विंध्यवासिनी माता की उपासना करते हैं। नेक्स्ट कंवर सगरा खंड का, कोरवा खुड़िया रानी का, उसके बाद जाएंगे उराव सरना देवी, सर प्रमुख याद रखना सरना देवी उराव का। ये हो गया जनजातियों की आराध्य देवी देवता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि। भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रश्न में झूम कृषि क्या होता है ये नहीं आएगा, हमारे यहां आएगा कि झूम कृषि को कौन कौन से जनजाति में क्या क्या नाम से जानते हैं, इसको हम लोग प्रयास करते हैं कि मैप में याद हो जाए। तो प्रदेश की विभिन्न जनजातियों में झूम कृषि को विभिन्न नामों से जानते हैं, जिनमें सबसे पहले देखेंगे बस्तर संभाग, बस्तर संभाग की जनजाति है भतरा, भतरा जनजाति में झूम कृषि को दहिया के नाम से जानते हैं, दहिया कृषि। उसके बाद बस्तर संभाग में ही पाया जाता है अबूझ माड़िया और दूसरा जाएंगे माड़िया, ये दोनों जनजाति के झूम कृषि को पेद्दा कृषि के नाम से जानते हैं, पेद्दा कृषि के नाम जानते हैं। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी याद रखना, मैकल श्रेणी में एक हो जाएगा बैगा, दूसरा हो जाएगा गोण, गोण तो हालांकि समुच्च छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बैगा जनजाति के झूम कृषि को बेवार के नाम से जानते हैं, जबकि गोण में झूम कृषि को धारिया के नाम से जानते हैं, रखना धारिया के नाम से। दोनों को यही बताने का तात्पर्य ये था कि यदि गोण में स्थानांतरित कृषि में धारिया नहीं है तो आप बेवार को आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट गरियाबंद में मिलेंगे कमार जनजाति, कमार जनजाति की स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं दाहिया, ध्यान रखेंगे भतरा वाले को दहिया और कमार वाले को दाहिया। उसके बाद आएगा नेक्स्ट कोरवा, कोरवा जनजाति के स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं देवारी, देवारी याद रखना। ये हो गया जनजातियों में स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट देखते हैं जनजातियों का पेय पदार्थ, उसके भी हम लोग नक्शा देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में मुड़िया प्लस माड़िया ये दोनों जनजाति का पेय पदार्थ है सल्फी, सल्फी याद रखना पेड़ से प्राप्त होता है। उसके बाद बस्तर संभाग में चावल से, बस्तर संभाग में चावल से एक पेय पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम है लांदा, लांदा याद रखना एडीएच एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मैकल श्रेणी में, ये मैकल श्रेणी में कौन सी जनजाति पाई जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें पाई जाती है बैगा जनजाति, बैगा का पेय पदार्थ है ताड़ी, यह भी एक वृक्ष से प्राप्त होने वाली पेय पदार्थ है ताड़ी भी। नेक्स्ट
रायपुर संभाग तरफ याद रखेंगे गोंड, हालांकि गोंड समूच छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। गोंड का पेय पदार्थ है पेज। पेज किससे बनता है? तो यह चावल से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में जाएगा कोरवा। कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ है हांडिया। हांडिया याद रखना, ये भी चावल से बनता है, रखेंगे। नेक्स्ट सरगुजा संभाग में उरांव। उरांव लोगों का पेय पदार्थ है कोसमा। कोसमा याद रखेंगे। एक बार फिर देखते हैं बस्तर संभाग में मुड़िया और माड़िया के द्वारा सल्फी का उपयोग किया जाता है, उनका पेय पदार्थ सल्फी है। जबकि बस्तर संभाग में चावल से बनता है पेय पदार्थ लांदा। उसके बाद बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है ताड़ी, ये भी वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट गुड़ समुदाय का पेय पदार्थ है पेज, ये आपका चावल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट कोरवा। कोरवा का पेय पदार्थ है हांडिया, ये भी चावल से प्राप्त होता है। उसके बाद उराव को जाएंगे कोसमा। ठीक है, ये हो गया जनजातियों का पेय पदार्थ।